आप देख रहे हैं तनतपुर। तो बकरीद आने वाली है और बकरीद के मौके पे हम बनाते हैं अलग अलग आइटम। तो इस बकरीद में हम बनाएंगे नान कीमा की रेसिपी। तो देखिए इस बार चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें ताकि आपकी नान भी अच्छी बने। तो देखें यहाँ पर मैंने ले लिया है एक एग और उसे इस तरह से हमें तोड़ लेना है ताकि वाइट वाला अलग रहे और योग अलग रहे। और आटा के लिए हमें सबसे पहले एक्टिवेट करना होगा। आप 1.5 चम्मच 2 चम्मच के करीब ईस्ट ले लें और चीनी भी आपको इसी तरह से लेना है। और इसमें डालेंगे गुनगुना दूध। तो दूध को मैंने लिया है 2 कप के करीब। और ये अच्छे से मिक्स करें ताकि चीनी एकदम घुल जाए। तो देखिए चीनी अच्छे से घुल चुका है। और अब मैं डालूंगी इसमें मैदा। तो मैदा यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब मैदा लिया है और 1 कप आटा। तो आप इसे मैदा से भी बना सकती हैं या तो फिर आप आटा से भी बना सकती हैं, तो एज यू विश। तो देखिए इस तरह से हमें चाल लेना है ताकि कोई गंदगी वगैरह ना रहे। ईस्ट में जो मैंने दूध मिलाया था, दूध के जगह आप गुनगुना पानी भी डाल सकती हैं, लेकिन याद रखें कि ठंडा ना डालें कुछ भी। और इसी के साथ मैं डालूंगी इसमें एग वाइट। दही डाल के भी नान रोटी बनती है, लेकिन आज मैं दही नहीं डालूंगी, तो एग वाइट ही डालूंगी। और इसके साथ साथ डालें नमक। तो नमक अपने अंदाज से ही डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अगर आपको ईस्ट ना मिले तो ईस्ट के जगह में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों मिलाकर आप डाल सकती हैं। तो देखिए हमें इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें पानी भी हमें गुनगुना ही लेना है। तो गुनगुना पानी लेने से ये सॉफ्ट अच्छा बनेगा आटा हमारा गूंद के। तो जितना आपको ज़रूरत लगे इसमें पानी का, तो पानी ले लें। और इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ा देरी के लिए हमें रख देना है, 1 से 1.5 घंटे के लिए। ये रहे चिकन कीमा। और चलिए कीमा तैयारी करते हैं। तो हमें डालना है 1.5 टीस्पून वाइट ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसमें डाल देंगे कीमा। तो कीमा यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का, आप चाहे तो यहाँ पर मटन कीमा भी यूज़ कर सकती हैं। पानी ड्राई हो चुका है, साइड में करके इसे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट को इसे भून लें। और इसकी स्मेल जब निकल जाए कच्ची वाली, तब इसे मिक्स कर दें। ये ड्राई हो चुका है, अब मैं इसमें मिला दूंगी छोटे कटे हुए प्याज। ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकती हैं। और यहाँ पर अब डालें तो अंदाज से नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक और धनिया पाउडर। और ये है मैगी मसाला। तो यहाँ पर मैंने मैगी मसाला को यूज़ किया है, मार्केट में मिल जाते हैं ये बहुत ही आसानी से। तो आप इसमें यूज़ कीजिए फ्रेंड और बना के देखें, ये नान कीमा की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है और मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है। तो देखिए ये भून चुका है एकदम अच्छे से, इसे मैं अब निकाल लेती हूँ। और इसे हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो ये ठंडा हो चुका है, आइए देख लेते हैं आटा फर्मेंट हुआ है कि नहीं। ये देखें किस तरह से ये फर्मेंट हो चुका है, इसकी पहचान यही है, ये जाली जाली हो गया है। अगर ठंड का मौसम होता है तो थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा लग जाता है। तो फ्रेंड देखें इसे कितना सॉफ्ट बन के तैयार हो गया है ये। और अब हम इसको छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे जितने बड़े आपको नान बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे बन गए हैं और इसे मैं
कवर करके दें कपड़ा से या किसी पेपर से, तो और इस तरह से थोड़ा सा ड्राई आटा लेके हमें इस तरह से हाथ से दाबना है। तो खूब ज़्यादा हमें पतला नहीं बनाना है, इसी तरह से ये मोटा बनेगा। अब मैं इसमें डालूंगी स्टफिंग। अच्छा, यहाँ पर स्टफिंग इतना ही लें जितना आपके आटा के गोले हैं उसके हिसाब से ही लें, वैसे ज़्यादा इसमें रहेंगे तो टेस्टी ज़्यादा ही लगेंगे। ध्यान यही रहे कि ये फटे ना। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब ले लिया है स्टफिंग और इस तरह से हमें इसे अंदर डाल के इसे मोड़ देना होगा। तो देखिए इस तरह से हमें इसे सील कर देना हो। तो बाकी का भी इसी तरह से हम रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने बेकिंग ट्रे में घी लगा दिया है और इस तरह से इसमें रख कर हाथों से हमें दबा देना है और बेलन से हमें इस तरह से कर देना है ताकि ये फूले ना, ये बेक हो लेकिन फूले ना रोटी की तरह और देखने में भी खूबसूरत लगे। और ये रहे दही और जो मैंने आपको योग रखवाए थे उसमें डालेंगे धनिया की पत्ती और इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर दें और ये हम लगाएंगे इस नान के ऊपर। तो देखें इस तरह से हमें नान के ऊपर अच्छे से लगा देना है। तो यहाँ पर हमें दही ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। ये सारे को मैंने लगा दिए हैं और अब इसे मैं रखूँगी ओवन में 25 मिनट्स के लिए 180 डिग्री में। 25 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अच्छा फ्रेंड, अलग अलग ओवन में अलग अलग टाइमिंग है और अलग अलग टाइम से बेक होते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। परफेक्ट कुक होके तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर में मैं बटर का पॉलिश कर दूंगी ताकि ये और खूबसूरत लगे देखने में। खूबसूरती के साथ साथ ये सॉफ्ट, मॉइस्ट और टेस्टी भी बन जाएगा। बटर अगर आपके पास ना हो तो इसमें आप घी भी डाल सकती हैं, देसी घी। तो फ्रेंड, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? बकरीद के मौके पर तब आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये आपको कैसी लगी। तो देखें यहाँ पर मैं आपको अंदर का भी दिखाती हूँ। एकदम सी एक सॉफ्ट और मॉइस्ट नान रोटी बन के तैयार है और इसकी स्टफिंग भी देखें कितनी लाजवाब है। तो अगर फ्रेंड आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे एक पतीले में भी बना सकती हैं जैसे केक बेक करती हैं। फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर हो जाऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।